रीवा सीधी ग्रामीण बैंक के रिटायर्ड बैंक कर्मियों को मिलेगी अब पेंशन, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। रिटायर्ड बैंक कर्मियों ने एक फैसले में विजय हासिल की। अभी तक रिटायर्ड बैंक कर्मियों को पेंशन नहीं मिला करती थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में ग्रामीण बैंक के रिटायर्ड कर्मियों को पेंशन देने का निर्णय सुनाया है। रिटायर्ड कर्मियों का कहना था, बैंक ने अपने कर्मचारियों के हित को ध्यान में नहीं रखा, जिसकी उन्होंने लंबी अवधि तक सेवा की, बल्कि उनका भला ना हो इसके लिए वह कोर्ट चला गया, लेकिन कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। बैंक कर्मियों ने अपनी इस जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर उन रिटायर्ड बैंक कर्मियों का सम्मान भी किया गया जिनकी उम्र 75 साल हो चली है। सेमिनार का नाम भी हीरक सम्मान समारोह रखा गया था। इस मौके पर रीवा दर्शन ने रिटायर्ड बैंक कर्मी अनूप सिंह व एसोसिएशन के अध्यक्ष से बातचीत की। आप भी सुनिए उनका क्या कहना है। ग्रामीण बैंक में जो पेंशन समाज है, पेंशन सिंह जरूर ने ऑल इंडिया लेवल के जो अध्यक्ष हमारे भारतीय मिश्री योगी जी, उनकी अध्यक्षता में आज एक सम्मान समारोह हुआ। अभी हम लोगों को पेंशन नहीं मिलती थी, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में उनकी अध्यक्षता में पेंशन सिंह ने केस लड़ा और 25 अप्रैल को फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया कि उनको पेंशन दे होगी कमर्शियल बैंक के समान। इसी सिस्टम में उनके योगी जी को सम्मान किया जा रहा है। साथ में हमारे 3 साथी जो 75 साल के, उन तीनों को राजभवन श्रीवास्तव, श्री मालवीय जी और श्री बुखलावा, उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक पेंशनर ऑर्गेनाइजेशन और इसमें एक्चुअल में ये भारतीय केंद्रीय संगठन है हमारा ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक, उसमें योगी जी की अध्यक्षता में ये संगठन का गठन सुचारू रूप से चल रहा है। और जो योगी जी हमारे केंद्रीय संगठन से आए हैं, उन्होंने हमें सर्वोच्च न्यायालय में पेंशन संबंधी जो हमारे बरसों से 2003 से ये मुकदमा जो चल रहा था उसका निर्णय करवाया, और वो सभी ग्रामीण बैंक के पेंशनरों के लिए पेंशन संबंधी निराकरण हो चुका है। अब केवल 2 महीने में निश्चित रूप से भारत सरकार से मिलने के बाद जो ग्रामीण बैंक की लंबी बरसों पुरानी 15 साल पुरानी मांग, उसे पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा।